आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक ऑफ लिमिट्स। लिमिट्स अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम टाइम आप चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्मूला से बनाते हो, क्योंकि मुझे समझ आ जाता है कि आप HSC पेपर लिख रहे हो, SSC या फिर CBSE पेपर लिख रहे हो, और वहाँ पे कन्वेंशनल पेपर में आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो तो कन्वेंशनल स्टेप्स आपको फॉलो नहीं करने हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑप्शंस रहते हैं, आपके पास टाइम की कमी रहती है, तो आपको चीज़ें फास्ट बनानी है। इसलिए मैं ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूं जिसमें आपको ट्रिक मिल जाएगी टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ लिमिट्स इन 5 सेकेंड। अगर आपको यकीन नहीं होता तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इफ एफ ऑफ 2 इज 4 एंड एफ डैश ऑफ 2 इज 1, देन लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स इंटू एफ ऑफ 2 माइनस 2 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 इज वॉट? ऑप्शन ए माइनस 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 या फिर ऑप्शन डी 3। वीडियो को पॉज करें और एक बार खुद से ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं ट्रिक कैसे इस क्वेश्चन को हम फास्ट बना सकते हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है। जो भी लिमिट यहाँ पे दिखाई दे रही है x टेंस टू 2, स्ट्रेट अवे सब्स्टिट्यूट कर लो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको इक्वेशन कुछ इस प्रकार मिलेगा, 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 अपॉन 2 माइनस 2। ओके, तो ये तो 0/0 फॉर्म हो गया। अगर आपके पास 0/0 फॉर्म है, एक अनडिफाइंड फॉर्म है, तो आप यूज़ कर सकते हो एल ओपिटल, जिसे एल हॉस्पिटल भी कहा जाता है, बट करेक्ट प्रोनंसिएशन है एल ओपिटल मेथड। ओके, अगर आप ये ट्रिक का इस्तेमाल करते हो तो क्वेश्चन फास्ट बन जाएगा। एल ओपिटल कहता है अगर आपके पास 0/0 फॉर्म है या कोई भी अनडिफाइंड फॉर्म है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो आपको न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो देखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करने पे आंसर आएगा एफ ऑफ 2 तो कांस्टेंट है तो वो बाहर, और एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आंसर रहेगा 1। उसके बाद माइनस 2 तो बाहर, राइट? डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर तो काफ़ी आसान है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आंसर इज 1, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। अब फाइनली आप कह सकते हो हमारा टर्म कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ 2 माइनस 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन 1। अब इसके बाद आपको लिमिट रखना है फिर से, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, और चेक करो क्या 0/0 फॉर्म है। याद रखिएगा, अगर 0/0 फॉर्म फिर से आ रहा है तो फिर से आपको ये स्टेप करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। बट ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, अब वो मॉडिफाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, ये फर्स्ट वाला न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नहीं रखना है। जो भी मॉडिफाइड वर्जन है उसी पे अप्लाई करना है डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे 0/0 फॉर्म तो आ नहीं रहा है, क्योंकि मैं जब स्ट्रेट अवे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है f ऑफ 2 माइनस 2 टाइम्स f डैश ऑफ 2। अब यहां पे f ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी थी विच इज 4, और f डैश ऑफ 2 की वैल्यू भी दे रखी है विच इज 1, तो 4 माइनस 2 आंसर क्या है? 2, विच इज ऑप्शन सी। तो देख सकते हो एल ओपिटल के मेथड से क्वेश्चन कितना फास्ट बन जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो देन डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, दिस इज श्रेनिक जैन, पीस आउट।